हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग का। सो व्हाट्सअप गाइस, होप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको जीटी देने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, तो आ चुका हमारे गेम में लेटेस्ट इनक्यूबेटर। इस बार आया है यूएमपी का इनक्यूबेटर, MP40 टाइटन स्कार, मतलब स्कार के AK सबके इनक्यूबेटर आ चुके हैं। अब फाइनली टाइम है गाइस यूएमपी का। इसमें 4 गन स्किन है, यूएमपी जेब्रा पेपर कट, गेटर्स पेपर कट, ग्रिजली पेपर कट एंड टाइगर पेपर कट। देखते हैं इनकी क्या एट्रीब्यूट्स है और भाई सबसे मैक्स वाली निकालने का हम ट्राई करेंगे और उसका गेम प्ले तो आपको दिखाएंगे ही। एंड पूजा पर लेडी लाइव स्ट्रीम होती है, यूएमपी का गेम प्ले तो देखने को मिलेगा ही भाई। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं श्योर। आगे गाइस हम अपने न्यू इनक्यूबेटर में, आप देख सकते हैं यूएमपी का शानदार एनिमेशन, ग्रीन कलर की ये यूएमपी। और देख सकते क्या ओपी एनिमेशन है, कुछ ज़्यादा ही कार्टून सी लग रही है लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसी गन भाई मैंने तो पहले कभी देखी नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाली यही है गेटर्स पेपर, जिसके एट्रीब्यूट से डैमेज 10% एंड रेट ऑफ फायर 20% इंक्रीज। दूसरी जो टाइगर वाली है उसके एट्रीब्यूट से गाइज यहाँ पे डैमेज 20% इंक्रीज एंड आर्मर पेनिट्रेशन 10% इंक्रीज। जो थर्ड वाली है इसका डैमेज 10% एंड रेंज 20% इंक्रीज है, मैगजीन डिक्रीज है 10%, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइज ये भी ओपी है। ग्रिजली लास्ट वाली है, इसके एट्रीब्यूट से गाइज रेट ऑफ फायर 10% इंक्रीज है, एक्यूरेसी 20% इंक्रीज है, रिलोड स्पीड 10% डिक्रीज है। तो गाइज सबसे हम नंबर वन वाली जो टॉप क्लास है उसे ही निकालेंगे। एंड गाइज इस बार थोड़ा सा महंगा कर दिया, आप देख रहे हैं ना स्टोन बढ़ा दिए हैं। पहले यहाँ पे हमें 3 ब्लूप्रिंट और 7 स्टोन में मिलती थी, अब 8 स्टोन में मिल रही है। तो स्पिन करते गाइस स्टार्ट, पहले एक करते हैं, फिर एक दोबारा एक करेंगे, फिर 5 करेंगे। एंड गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 38,119 डायमंड है मेरे यहाँ पे। एंड देखते हैं लास्ट में जब हम पूरा जब स्पिन खत्म करेंगे तब लास्ट में हमारे पास कितने डायमंड बचते हैं गाइस। तो बैक टू बैक गाइस यहाँ पे हम स्पिन करते ही रहेंगे। एंड गाइस मैं ट्रिक कौन सी यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अगर मेरे को काम आएगी यार वो ट्रिक तो आपको भी बताऊंगा, नहीं आती तो यार फिर आप भी जान गए क्या ही करोगे यार। तो गाइस देखते हैं क्या निकल पाती या नहीं निकल पाती। मैंने 5 स्पिन किए एक साथ, नहीं निकली, दोनों बार फ्रेगमेंट निकली, बैट फूड बाउंटी, अबे या स्टोन निकला नॉट बैट, लेकिन हमारे पास 6 पहले से थे तो अब हो गए 7 स्टोन। अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक करूँ या 5 करूँ यार, समझ नहीं आ रहा यार कितने स्पिन करूँ। चलो एक स्पिन ना इसमें मारते हैं गोल्ड रॉयल में, है ना, क्योंकि कहते हैं ना गोल्ड रॉयल में और इनमें करने से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो गाइस हम सारी ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ मैं ताकि जल्द से जल्दी निकल पाए, और फर्स्ट डे पर ही मैं निकालने का ट्राई कर रहा हूँ तो बहुत महंगा पड़ने वाला है भाई सौदा। तो मैंने एक एक स्पिन मार लिया है डायमंड रॉयल और गोल्ड रॉयल दोनों में ही। अब वापस आ जाते गाइस अपने इनक्यूबेटर पर एंड देखते हैं कितने डायमंड लगने वाले हैं। अभी 300-400 लग गए ना वैसे, हाँ जी। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कितना स्पिन मारे। तो 5 करता हूँ मैं एक साथ फिर से, और शायद इस बार कुछ ना कुछ पक्का निकलना ही चाहिए बिकॉज ट्रिक यूज़ कर रहा है ना। तो देखते हैं, नहीं निकला, थर्ड में स्टोन निकला, अरे भाई नहीं निकला, फिर से स्टोन ही निकला गाइस। तो ब्लू प्रिंट फिर से नहीं निकल पाया, ब्लू प्रिंट हमारे पास यार 0 है, 0 मतलब यार एक आध तो होना चाहिए था यार, चलो कोई बात नहीं। अब गाइस फिर से एक स्पिन मारा, शायद निकल जाए, उम्मीद है बरकरार आपकी भी और मेरी भी ही। तो देखते हैं, नहीं निकला यार इसमें भी नहीं निकला, फिर से करा एक स्पिन और देखते हैं निकलेगा क्या, निकल जा। ओ ओ, ओ, ओ अबे एक पहले खुल गया भाई, क्या था यार ये। अब करते चलो 5 स्पिन एक साथ, 180 डायमंड हमने फिर लगा दिया गाइस। डायमंड देखते रहना कितने डायमंड लग रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है सफाई के लिए, कर रहे गाइस इतना खर्चा। और ये थर्ड में भी नहीं निकला, फोर्थ में भी नहीं निकला, और ये फिफ्थ में भी नहीं निकला गाइस, 5 स्पिन मिट्टी में। चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं गाइस, अब एक स्पिन करके देखते हैं क्या निकल पाएगा। यार आज ब्लू प्रिंट, अब स्टोन भी नहीं आया यार, भाई हमें नहीं चाहिए ये, कि वैलेंटाइन भी नहीं चल रहा, कहीं वैलेंटाइन के दिए जा रहे हो। चलो गाइस फिर से देखते हैं, अच्छा हाँ अबे नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए हमको, बस स्टोन दे या फिर ब्लू प्रिंट ही चाहिए भाई, अब तो बस एक ही ब्लू प्रिंट नहीं निकला गाइस अभी तक यार। और ये शायद अबे फिर से एक, अबे इतना वैलेंटाइन का, अबे दोनों बार एक, दो स्पिन बैक टू बैक, अब पगला पगला गए हो क्या भाई, क्या चाहते हो, चाहते क्या हो भाई, दो बार एक, दो बार AN94, अबे भाई क्या सीन है ये। चलो गाइस फिर से देखो, एक स्पिन किया मैंने यहाँ पे, हम देखते हैं निकल गई यार, घंटा निकल गई, कुछ नहीं निकलने वाला यार यहाँ पे, यार सारे डायमंड लग जाएंगे।
जेमिकल उठ गई तो मारेगी मेरे को यार, निकल जा भाई प्लीज निकल जा। अभी एक भी ब्लू प्रिंटर नहीं निकला, आ जा आ जा, इस बार आ जा, स्टोन ही आया भाई, स्टोन ही आया भाई, स्टोन स्टोन लेकर मैं 15 बढ़ाऊँ, मैं करूँ क्या भाई, ब्लू प्रिंटर दे दो एक आध, अब तो स्टोन हो गए ना मेरे, 9 हो गए भैया, 8 चाहिए थे, नहीं चाहिए अभी स्टोन, ब्लू प्रिंटर दे दो, एक स्पिन मारा गया मैंने यहाँ पे, शायद इस बार निकल जा। अबे भाई आ जा, अबे बाउंड्री तो कर इसकी ऐसी तैसी भाई, बड़ा मुश्किल है यार इनक्यूटर निकालना, और आ जा, अबे फिर निकल गया भाई, नहीं आती, क्या करें यार क्या करें। चलो गाइस फिर से करते हैं एक साथ पूरे 5 स्पिन, आई होप इस बार तो निकल जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पिन हम कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डायमंड लगा चुके हैं, तो आई थिंक इस बार तो निकलनी चाहिए, और कंग्रेचुलेशन का मैसेज आपको दिखने ही वाला है। स्टोन भी आया है गाइस, ब्लू प्रिंट भी आया है, बिकॉज हम खूब सारा माल खर्च कर चुके हैं, आई थिंक 2,500 डायमंड लग चुके हैं अब तक, तो आ गया है गाइस हमारा फर्स्ट ब्लू प्रिंट, तो ये वाला स्पिन हमारा काफ़ी लकी रहा, इसमें हमारा स्टोन भी निकल आया और ब्लू प्रिंट भी निकल आया, चलिए गाइस अब आगे स्पिन करते हैं, फिर से लगा देते हैं पूरे 180 डायमंड यानी कि 5 स्पिन, देखते हैं गाइस आपका बैक टू बैक मेरे ब्लू प्रिंट निकल पाएंगे क्या, या निकल जा प्लीज, स्टोन स्टोन नहीं यार, ब्लू प्रिंट चाहिए, नहीं निकला, फोर्थ ब्लैक एंड फिफ्थ भी बेकार गया यार, अभी नहीं निकला गाइस, दिल्ली अभी दूर है, टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, हम स्पिन करते रहेंगे, एक स्पिन मारते हैं एंड ब्लू प्रिंट ही नहीं निकला भाई, अभी भी नहीं निकल रहा यार, ये तो मतलब गुस्सा सा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा यार, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो, चलिए गाइस देखते हैं अब इस बार निकल पाएगा क्या, निकल जा, अबे निकल जा यार, दूसरा स्पिन भी बेकार गया, तीसरे अभी, फोर्थ में पैट फूट है, फिफ्थ भी बेकार गया गाइस, कुछ नहीं निकल पाया, कोई नहीं भाई, हम हार नहीं मानेंगे, चाहे आज कितने भी डायमंड लग जाएं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे गाइस, फिर से करते हैं स्पिन और इस बार करते हैं, एक करूँ या 5 करूँ, चलो पूरे 5 लगा देते हैं फिर से दाव पे, यानी कि टोटल पूरे 180 डायमंड फिर से लगा दिए, फ्रैगमेंट निकली पहले में, दूसरे में वेपन लूट के, थर्ड में वेपन लूट के, टेंड, अबे 5 स्पिन खराब, फिर 5 स्पिन खराब भाई, मेरे को तो लग रहा था एक निकल जाएगा उसका, सेकंड थर्ड तो यूँ निकल जाएंगे, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा भाई, अब क्या करें यार, चलो एक स्पिन मारते हैं फिर से, और यहाँ पर अब तो निकल, हाँ, अबे बाउंड्री नहीं, ऊपर रह गया भाई थोड़ा सा, और ऊपर नहीं जा सकता था, बॉल बिटा खा के नहीं आया, चलो गाइस फिर से 5 स्पिन, पहले में निकला पेट फूड, दूसरे में अबे याद नहीं वेपन, नहीं फ्रैगमेंट, नहीं कुछ नहीं चाहिए इसमें से हमको यार, बहुत डायमंड लग चुके हैं गाइस, आप देख सकते हैं कहां से कहां आ गए हम, और यहां पे अब निकल गया, और निकल गया बॉय, सेकंड ब्लूप्रिंट निकल गया, मतलब थोड़ा देर से तो निकला लेकिन निकल गया यार, मुझे तो डर लग रहा था कि यार पहले के बाद में 5-7,000 ही लगेंगे, लेकिन फाइनली गाइस मिल चुका है हमें सेकंड ब्लूप्रिंट, अब सिर्फ एक ब्लूप्रिंट हमें और चाहिए, तो आगे स्पिन करते हैं कंटिन्यू, अब तक एक्साइटमेंट और भी ज्यादा हो रही है, बिकॉज़ हम बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं अपनी यूएमपी के, तो गाइस 5 स्पिन एक साथ किए, पहले में निकला क्या निकला, अरे बड़ा सुसु निकला बाउंटी, सेकंड खराब, थर्ड में बफर बाउंटी, फोर्थ फिर खराब एप्पल लूट के, फिफ्थ में पेट फूड, यानी कि इस बार वाले 5 स्पिन तो वेस्ट गए, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ये हमसे दूर रहेगी, हम लेके रहेंगे भाई इसको, हम लेके रहेंगे, तो कर दी है गाइस हमने स्पिन स्टार्ट पूरे के पूरे 5, और ये पहले में निकला हमारा बाउंटी, दूसरे में निकला, ओ भाई निकल आया गाइस, अरे 3 स्पिन एक्स्ट्रा हो गए, बट कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन का ये मैसेज आते हुए स्टिल को बड़ा सेटिस्फाई करता है जब भी ये कॉन्ग्रेचुलेशन स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई देता है, एंड गाइस फाइनली लास्ट यानी कि थर्ड ब्लू प्रिंट भी हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो गाइज हमारे पास टोटल 3 ब्लू प्रिंट आ चुके हैं, 10 स्टोन, और गाइज आप एक और चीज़ दिखा दूँ, देखो गाइज ये सिर्फ ना पहली वाली जो गन स्किन ना यूएमपी गेटस पेपर कट जो फर्स्ट वाली है, सिर्फ इसी में ही एनिमेशन है, बाकी किसी में भी कोई एनिमेशन नहीं है, लास्ट एक्समेट में भी यही था यार, बहुत बार से यही होने लगा है, मेरे को लगता है बाकी सब में आना चाहिए यार, क्योंकि कॉस्टली है, एंड गाइज इन्होंने थोड़ी सी प्राइसिंग भी इंक्रीज कर दी है, ये भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाली पहले 3 ब्लू प्रिंट और 7 स्टोन में मिलती थी, अब ये 8 हो गए हैं, जो सेकेंड वाली आप ये देख सकते हैं इसमें भी गाइस 7 स्टोन इसमें भी मांगे जा रहे हैं, तो ये शायद 5 पे मिलती थी आई थिंक, और थर्ड भी 2-5 पे मिलती थी, ये 2-6 पर हो गई, और एंड गाइस ये फोर्थ वाली ये तो यार 1 ब्लू प्रिंट और 3 स्टोन पे मिलती थी, ये तो मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, और ये इसके 2 ब्लू प्रिंट कर दिए, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग थे उनका तो हो गया सत्यानाश, क्योंकि 1 ब्लू प्रिंट में तो अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो वो यार काफ़ी मेरे को बुरा लगा। अच्छा गाइस अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो पहली वाली के देखो रेट ऑफ फायर और डैमेज इंक्रीज, तो ये तो अनडाउटेडली ओपी है ही, और इसका डिक्रीज भी क्या है रिलोड स्पीड, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहली वाली तो ओपी है ही, लेकिन जो दूसरी वाली है इसमें गाइस मूवमेंट स्पीड थोड़ी कम हो रही है, डैमेज डबल है मतलब 20% इंक्रीज है, आर्मर पेनिट्रेशन भी 10% इंक्रीज है, मतलब अगर हेड नहीं भी जाता है तो भी उसकी वेस्ट में तो चीरफाड़ कर ही देगी ये, तो ये भी ठीक है। थर्ड वाली गाइस डैमेज 10% इंक्रीज है, रेंज 20% है, तो ये भी अच्छी है, पता है क्यों, क्योंकि यूएमपी में रेंज ना बहुत कम होती थी, तो रेंज 20% इंक्रीज होने से
ये भी काफ़ी सही बन जाएगी। और जो फोर्थ वाली है इसमें है गाइज रेट ऑफ फायर 10% इंक्रीज, एक्यूरेसी 20% है। तो गाइज इसको चलाने के बाद पता चलेगा ये कैसी है, अभी तो अपने पास तो है नहीं, क्योंकि रेट ऑफ फायर अच्छी बात है, ड्रैग अच्छा लगेगा, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा ही इंक्रीज है और ये शॉर्ट रेंज गन है, तो उस हिसाब से कहीं ऐसा ना हो कि हेड तक जाए ही ना, मतलब ये नीचे चिपक जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो गाइज हम क्लेम कर लेते हैं अपनी फर्स्ट वाली UMP पेपर कट, गेटर्स पेपर कट वाली स्किन को। हमारे पास पूरा स्टोन ब्लूप्रिंट सब कुछ है, तो एक्सचेंज, यस भाई एक्सचेंज, कॉन्ग्रेचुलेशन का ओपी मैसेज आते हुए यहाँ पे UMP गेटर्स पेपर कट फाइनली गेमिंग गर्ल की आईडी में। थोड़ी कार्टूनिश है पर अच्छा लुक है भाई, क्योंकि ऐसी गन हमने तो नहीं देखी भाई कभी। लगता है इसके मुंह में कुछ फंस गया है, इसने ज़्यादा खा लिया है कुछ, या मैंने यहाँ पे सारी ट्रेडिशनल ट्रिक यूज़ की, थोड़ा टॉपअप भी किया और एडम चचा के साथ भी किया, सारी चीज़ें अनइक्विप करके किया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी डायमंड लग गए, कितने लग गए वो भाई आप ही देख लेना, बहुत ज़्यादा लग गए, मुझे तो डर लग रहा है अब हिसाब लगाने में भी। तो गाइस ये ऐसा लुक देने वाली है लॉबी में हमारी न्यू UMP, ओपी लग रही है, बाकी गेम प्ले भी देखेंगे इसका भूया पर जब गेमिंग गर्ल खुद खेलेगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।